ओके डन। देखिए सबसे पहले जब भी आपकी स्क्रीन ओपन होती है तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। यहाँ पे आपको तीन टैब दिख रहे हैं, एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर एंड एमसीएक्स, राइट। तो एनएससी कैश में फ्यूचर में ट्रेड होने वाले सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एनएससी फ्यूचर में आपको फ्यूचर के सारे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शन सिग्नल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एमसीएक्स में कॉमोडिटी में ट्रेड होने वाले सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल है एप्लीकेशन के, जैसे कि लाइव चार्ट, अलर्ट्स। देखिए यहाँ पे नीचे देखिएगे, यहाँ आपको दिखेंगे चार्ट, अलर्ट, सिग्नल, मार्केट एंड होम, राइट। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लास्ट वन है हमारा होम। होम में जाते हैं तो होम में आपको यहाँ पे मार्केट वॉच, ईओडी चार्ट, पाइवट एंड टेक्निकल्स, मार्केट न्यूज, कैलकुलेटर, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आज हम ये सारे फीचर्स को कैसे यूज करना है आपको सिखाने वाले इस वेबिनार में। आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमें रेट एंड रिव्यूज भी दे सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन में रेट एंड रिव्यूज भी आप दे सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। ओके नाउ सबसे पहले कि हमने जाना कि यहाँ पे जो भी हमारे ट्रेडर्स है ज्यादातर वो सब फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्यूचर का चार्ट ले ले रही हूँ। फ्यूचर में कैसे आपको चार्ट को कैसे रीड करना है, यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स आपको चार्ट में शो हो रहे हैं उनका यूज कैसे करना है, कैसे आपको चार्ट रीडिंग करना है, वो मैं आपको शो करूंगी अभी। सबसे पहले हम आ जाते हैं एनएससी फ्यूचर में। यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक चाहिए, आपकी जो भी स्टॉक लिस्ट है उनमें से आपको जो भी स्टॉक चाहिए यहाँ पे आपको उसका नाम सर्च करना है। मैंने यहाँ पे निफ्टी ले लिया, जैसे कि अब मुझे बैंक निफ्टी चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी बैंक निफ्टी, तब वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वापस से निफ्टी चार्ट सिलेक्ट कर देती हूँ, चार्ट को रोटेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए चार्ट में आपको कुछ येलो लाइन दिख रही है, यहाँ पे डॉटेड येलो लाइन दिख रही है, व्हाइट लाइन शो हो रही है, कुछ ट्राइंगल्स यहाँ पे ग्रीन एंड रेड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मैसेज बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तीन, राइट। यहाँ पे देखिए टाइटल बार में आपको हमारी कस्टमर केयर जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो हो रही है। आज का टुडे का हाई लो जो है वो शो हो रहा है, लास्ट बार का हाई लो क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे चार्ट पर आपको शो हो रही है। सबसे पहले सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। हमारा जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है वो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे वर्क करता है, मतलब कि सबसे पहले हम जो है ब्रेकआउट उसके लिए हम स्विंग हाई लो को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर स्विंग हाई ब्रेक होता है हमारा तो हम बाय जाते हैं, और अगर स्विंग लो अगर ब्रेक होता है तो हम सेल जाते हैं। समझ लीजिए कि अगर हमारा जो ब्रेकआउट है वो अगर स्विंग हाई ब्रेकआउट हो रहा है और हम बाय जा रहे हैं तो हम उस टाइम पे स्टॉप लॉस हमारा होता है स्विंग लो। अगर स्विंग लो ब्रेकआउट होता है और हम सेल सिग्नल जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस होगा स्विंग हाई। चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये येलो कलर का डॉटेड लाइन है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जब हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आता है तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट, सॉरी बाय सिग्नल जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, मतलब कि जब प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है तब बाय सिग्नल जनरेट होता है। बाय सिग्नल की तरह ही हम जैसे ही यहाँ पे देखिए नाउ हम सेल सिग्नल के लिए कोई और चार्ट ले लेते हैं। अगर कोई सेल सिग्नल जनरेट हुआ है तो सेल सिग्नल के बारे में भी बता देती हूँ मैं। हम यहाँ पे सिग्नल्स में आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे गोल्ड पेटल्स में सेल सिग्नल रिसेंटली जनरेट हुआ था, हम उसका चार्ट ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ के कैंडल को क्रॉस करके डाउन टू अप गया है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। ओके, तो जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आएगा, तब बाय सिग्नल जनरेट होगा, और डाउन टू अप जाएगा प्राइस को क्रॉस करके, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होगा। यहां तक सबको क्लियर है? नाउ देखिए, अभी चार्ट में आपको कुछ व्हाइट लाइन दिख रही है, राइट? हमारे साथ आज जो ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं वो कोई ना कोई कंफर्मेशन टूल या टेक्निकल टूल्स यूज कर रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे ये जो व्हाइट लाइन है, उन्हें पता होगा जो टेक्निकल टूल्स यूज कर रहे हैं कि ये 200 बार है, ये में बार है 200 बार की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बार है ये। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। मैं पहले बैंक आ जाती हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट ले रही हूँ यहाँ पे। ओके, अभी देखिए, ये जो हमारी व्हाइट लाइन है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है कि अगर समझ लीजिए कि प्राइस को, व्हाइट लाइन प्राइस को क्रॉस कर करके ऊपर के साइड पे है, तो समझ सकते कि उस टाइम पे बेरिश ट्रेंड चल रहा है, और अगर हमारी व्हाइट लाइन प्राइस से नीचे के साइड पे है, तो उस टाइम पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स है, कुछ ट्रेडर्स ये चाहते होंगे कि बार बार उनको स्टॉप लॉस के साथ नहीं जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि व्हाइट लाइन के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, व्हाइट लाइन के ऊपर के सारे बाय सिग्नल्स ट्रेड कर सकते हैं, और व्हाइट लाइन के नीचे के सारे सेल सिग्नल्स ट्रेड कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स, ठीक है? सबसे पहले कि हमारा जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है, वो ऐसा कंफर्मेशन टूल है, ऐसा एनालिटिकल टूल्स है जो आप कभी भी कहीं पे भी साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है, तो हमेशा हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारा मोबाइल हमारे साथ रहता है, राइट? तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका मोबाइल आपके साथ रहेगा, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप कहीं से भी यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे जो ट्राइंगल जनरेट हुए, उनका क्या यूज है वो मैं बता देती हूँ कि जब बाय सिग्नल जनरेट होता है, बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद अगर आपको रेड ट्राइंगल दिखता है, बाय सिग्नल में रेड ट्राइंगल जो है वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए, हम यहाँ पे जो ट्राइंगल जनरेट करके दे रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए दे रहे हैं, उस पर ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि सिग्नल जनरेट होने की वजह वो ट्राइंगल के बेस पे ट्रेड करते हैं। आपको ट्रेड सिग्नल जनरेट होने पे करना है, ट्राइंगल जनरेट होने पर अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू रखना है। तो बाय सिग्नल में रेड ट्राइंगल जनरेट होता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो। उसके बाद अगर बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद कहीं पे आपको ग्रीन ट्राइंगल दिखता है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ से आप री एंट्री कर सकते हो, यहाँ से आप री एंट्री ले सकते हो। उसी तरीके से देखिए, सेल सिग्नल में अगर आपको यहाँ पे देखिए 4 अक्टूबर को सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ट्राइंगल जनरेट हो गया था। सेल सिग्नल में ग्रीन ट्राइंगल जो हमारा है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, और रेड ट्राइंगल री एंट्री के लिए। ओके, फिर से एक बार मैं सिग्नल्स और ट्राइंगल्स के बारे में रिपीट कर देती हूँ। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आएगा, मतलब कि हमारा जो हाई ब्रेकआउट होगा, तो बाय सिग्नल जनरेट करेगा, और अगर ये प्राइस को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है, राइट, डाउन टू अप जाता है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होगा। बाय सिग्नल में रेड ट्राइंगल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और ग्रीन ट्राइंगल री एंट्री के लिए। सेल सिग्नल में ग्रीन ट्राइंगल प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और रेड ट्राइंगल री एंट्री के लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स का ये भी होता है कि सिग्नल जनरेट हो रहा है तो उसे हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मैसेज बॉक्स में शो होती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो बॉक्स दिया है,
यहाँ पे देखिए तीन बॉक्स है, 5 मिनट, 15 मिनट एंड अवरली। आपको फॉलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को करना है, 15 मिनट एंड अवरली के बारे में आगे महेश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सिग्नल जिस प्राइस पे जनरेट होता है वो प्राइस यहाँ पे शो होगी, टारगेट आपको क्या लगाना है। देखिए यहाँ पे तीन टारगेट आपको यहाँ पे दिए रहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है वो यहाँ पे शो होगा, करंट प्रॉफिट लॉस उस सिग्नल्स का क्या जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आप वो जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सारे जो कैलकुलेशन है वो दे रहे हैं, आपको खुद से मैन्युअल एनालिसिस नहीं करना है। आपको सिर्फ जब सिग्नल जनरेट होता है यहाँ से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट देखना है और ट्रेड करना रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है हमारे ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स हमें ये कहते हैं कि सर जब सिग्नल जनरेट हुआ हमें ये वर्क में फंसा हुआ था उसकी वजह से ट्रेड नहीं ले पाया, आज का प्रॉफिट मैं नहीं ले पाया, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट मिस कर देते हैं। इसीलिए हमारे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में एक फीचर्स अवेलेबल है अलर्ट, जो आपको सिग्नल मिस करने से बचा सकता है। आपका जो प्रॉफिट मिस हो रहा है उसकी हेल्प से आप प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे, मैं अभी एक बता देती हूँ। अलर्ट्स पे जा रही हूँ। अलर्ट्स मतलब कि जब सिग्नल जनरेट होता है जिस भी स्क्रिप्ट का आप अलर्ट क्रिएट करके रखेंगे उसका आपको अलर्ट मिल जाएगा जब भी चार्ट में उसका सिग्नल जनरेट हो रहा है, चाहे वो बाय सिग्नल हो चाहे वो सेल सिग्नल हो। बाय सेल सिग्नल का आपको डायरेक्टली अलर्ट मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन पर। सबसे पहले बता देती हूँ कैसे आपको अलर्ट क्रिएट करना है अपने स्टॉक्स के लिए। क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करें, आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो, राइट, जो भी सेगमेंट में कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। समझ लीजिए कि मैं फ्यूचर में करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ SBI, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी स्क्रिप्ट का जिस भी स्टॉक का मैं सिलेक्ट करूंगी, जो अलर्ट क्रिएट करूंगी वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। आप जो क्रिएट करेंगे वो लिस्ट यहाँ पे आपको एक्टिव में शो होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा टैब है ट्रिगर, जब भी अब SBI में सिग्नल जनरेट होगा तो वो मुझे कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जो भी सिग्नल अब तक जनरेट हुए वो यहाँ पे ट्रिगर में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम टू टाइप्स के अलर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के और आपकी खुद की क्रिएट किए हुए लिस्ट का। हमने कुछ और सिलेक्टेड लिस्ट क्रिएट किया हुआ है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स जो है ट्रेडर्स, राइट, तो उनको क्वेश्चन रहता है कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करें, तो वो हमारे एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में से सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा सजेशन ये रहता है कि आप अपना खुद का एक स्टॉक लिस्ट बनाइए, 5 to 7 स्टॉक का लिस्ट रखिए और उसी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू किसी भी चीज में नहीं करते हो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पे, तो आप जिस भी स्क्रिप्ट को चूज कर रहे हो उसको कंटिन्यूस ट्रेड कीजिए, उसमें सारे सिग्नल्स को ट्रेड करिए, तभी आप एक्यूरेसी मेजर कर सकते हो। ये बात हुई अलर्ट्स की। नाउ अब हम आ जाते हैं सिग्नल स्कैनर में। देखिए यहाँ पे आपको हमारे जो भी NSE कैश फ्यूचर एंड MCX 1000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट्स है, सिग्नल्स किस में जनरेट हुए वो अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारे सिग्नल्स अवेलेबल रहते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादातर सिग्नल्स अगर आपको बाय के दिखते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि जो मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड जो है यहाँ पे बुलिश है। अगर सेल के ज्यादा आपको दिख रहे हैं तो ओवरऑल जो है ट्रेंड बेरिश चल रहा है हमारा। यहाँ से अगर आप कोई भी सिग्नल ले लीजिए, चार्ट ओपन करेंगे तो आप चार्ट पे रीडायरेक्ट होंगे। आपको रीड सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने समझाया। नाउ अब हम आ जाते हैं मार्केट स्कैनर। हमारे जो ट्रेडर्स है जो टेक्निकल टूल्स यूज करते हैं कोई, राइट, तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, वो खुद से स्ट्रेटेजी बनाते हैं या तो किसी और की हेल्प से भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे स्कैनर्स प्रोवाइड किए हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ MACD बुलिश, तो जो जो स्टॉक MACD में बुलिश होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। कोई भी एक चार्ट आप यहाँ पे जिस जो भी आपको ओपन करना है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो।
मैं बैक आ जाती हूँ। अब नाउ अब हमारा बात करते हैं, यहाँ पे होम सेक्शन में आ जाते हैं। मैंने अभी तक आपको लाइव चार्ट, अलर्ट्स एंड सिग्नल्स और मार्केट स्कैनर के बारे में जो बताया, ये हमारे प्रीमियम फीचर्स है। मतलब कि अगर इनको आपको 3 डेज के ट्रायल के बाद यूज करना है तो आपको सब्सक्राइब करना रहेगा एप्लीकेशन को। होम में जो यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि मार्केट वॉच, ईओडी चार्ट, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स, मार्केट न्यूज, कैलकुलेटर, ये सारे जो टूल्स है सभी ट्रेडर्स के लिए फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, या कुछ ट्रेडर जो खुद की स्ट्रेटजी बना के लेवल्स के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ये टूल्स का यूज कर सकते हैं। आप लाइव मार्केट चेक करना चाहते हो, खुद का वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो, तो आप मार्केट वॉच का यूज कर सकते हो। जो ट्रेडर्स पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, उनके लिए हमने यहाँ पे ईओडी चार्ट का फीचर दिया हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल टूल है। चलिए हम अब बात करते हैं ईओडी चार्ट की। देखिए ईओडी चार्ट मतलब कि इसमें जब सिग्नल जनरेट होता है, वो एंड ऑफ द डे जनरेट होता है। मतलब कि जब सिग्नल किसी भी स्टॉक में अगर सिग्नल जनरेट हुआ है ईओडी में, उसको हम नेक्स्ट डे पे ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ पे पर डे 1 कैंडल जनरेट होता है। जब भी सिग्नल जनरेट होता है, जब बाय सिग्नल जनरेट होता है, आप उस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट डे पे। अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है तो क्या करना है, क्योंकि हम इक्विटी में डिलीवरी तो होल्ड नहीं कर सकते, राइट, होल्ड नहीं कर पाते। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है अवेलेबल, आपने लिया हुआ है और सेल सिग्नल जनरेट हुआ है उस स्टॉक में, तो आप उसको पोजीशन जो है एग्जिट कर सकते हो। बाय सिग्नल जनरेट होता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। सेम वे से आपको सिग्नल की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स दिया हो, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया रहता है, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया रहता है। हम बैक आ जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स की। यहाँ पे हमने एनएससी कैश फ्यूचर एंड एमसीएक्स, तीनों सेगमेंट के जो भी पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स हमें एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से मिलते हैं, वो यहाँ हम अवेलेबल करते हैं। समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे एमसीएक्स में गोल्ड का ले रही हूँ, राइट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट के साथ अवेलेबल रहता है। अब जो भी स्क्रिप्ट चूज करते हैं, यहाँ पे उसके पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। आपको इसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, तो अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बाय अबव एंड सेल बिलो दिया है, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, अगर बाय अबव को क्रॉस कर रहा है तो आप बाय कर सकते हो, और सेल बिलो को क्रॉस करता है तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये लेवल्स जो है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे शेयरिंग के लिए भी आपको यहाँ पे यहाँ ऑप्शन दिया है। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी किसी को शेयर कर सकते हो। वेबिनार के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि बहुत लोग टिप्स, न्यूज या एडवाइस पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हमने उन ट्रेडर्स के लिए मार्केट न्यूज का ऑप्शन अवेलेबल किया है कि हम जो न्यूज पढ़ रहे हैं, राइट, वो रिलायबल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गलत इंफॉर्मेशन के साथ अगर कुछ डिसीजन लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमें नुकसान भी हो सकता है। तो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो न्यूज, तो आपको क्या है, वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए। तो हमारे एप्लीकेशन में यहाँ पे रिलायबल सोर्स से आपको न्यूज अवेलेबल है। आप जिस भी न्यूज को रीड करना चाहते हो, उसको आप क्लिक करना है, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, आप फुल न्यूज जो है वो रीड कर पाएंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के सारे फीचर्स की अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल किए हैं। देखिए यहाँ पे हाउ टू यूज लिखा हुआ है। हाउ टू यूज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पे जो वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है वो ओपन हो जाएंगे। हर एक फीचर का अलग से वीडियो बना हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। आप हमें WhatsApp पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे WhatsApp का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली अपनी कुछ भी क्वेरी है वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारे सपोर्ट टीम से बात करना है, कोई भी क्वेरी है, आपको ऑन कॉल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट नंबर और कंप्लेन नंबर दोनों दिया है। कोई भी इश्यू रहता है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
ओके अब महेश सर हमें ज्वाइन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप उन्हें बताइएगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको उसको ट्रेड करना है। कोई भी ब्रो सिग्नल रिलेटेड कोई भी क्वेरी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. इज आई ऑडिबल? ओके, सो मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपको? फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट सॉरी फॉर दैट. आई एम रेसिडिंग नियर द लाइक मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम. तो आज वैसे मैच है एक, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. ठीक है, बट ठीक है, आज के लिए मैनेज करेंगे. सो आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो दे दीजिए, हम उसको सॉल्व कर लेंगे. प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके कुछ कंसर्न है आपको, समझ में ना आया हो ऐसा कुछ, तो उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो मैं जो है बात करूंगा कुछ आपको. नॉर्मली स्ट्रेटेजी आप कोई भी यूज करते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट. अगर समझो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हम नहीं कर रहे हैं, तो किसी टाइप का भी स्ट्रेटेजी हो, वो किसी मतलब का रहता नहीं है. ओके, सो पहला है पॉइंट नंबर वन कि हमें अच्छे से हमारा रिस्क जो है उसको मैनेज करना है. कुणाल सर, नॉट एन इश्यू, ठीक है ना? सो आपका जो भी क्वेरी है फ्रेंड्स, जल्दी से यहाँ पे चैट में दे दो मुझे. ओके, सो मोस्ट ऑफली यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो अनवर्सल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एप्लीकेशन का ट्रेनिंग या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कौन सा ट्रेनिंग आपको चाहिए? ठीक है, बताइए आपको कौन सा मतलब चाहिए ट्रेनिंग आपको. अनवर सर, मस्ट ऑफ ट्रेडर जो है ना वो ऑप्शन ट्रेडर है. काफी सारे ट्रेडर्स जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, मस्ट ऑफ ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडर है. ठीक है, और उसमें भी ऑप्शन बायर ज्यादा है. तो ऑप्शन बाइंग कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे. जैसे कि आज अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी का बाय सिग्नल चल रहा है, और करीब 304 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. ठीक है, 304 पॉइंट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. ओके, सो एट द मनी अगर हम कॉल देखेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है, आप निफ्टी ट्रेड निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो, जब भी आप ट्रेड करो आपको आइदर स्पॉट या फिर फ्यूचर, आप जिसको भी ट्रेक करते हो, ठीक है, फ्यूचर को भी ट्रेक कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पॉट को ट्रेक कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी अंडरलाइंग एसेट जिसको हम ट्रेड कर रहे हो उसको पहले देखना है. जो भी सिग्नल बनता है, समझो बैंक निफ्टी में 44,165 से बाय सिग्नल बना, उसका मतलब है हम एट द मनी या फिर इन द मनी. आप एक समझ लो 44,100 का कॉल ऑप्शन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम बाय कर सकते हैं. ठीक है, 11 अक्टूबर का कॉल ऑप्शन अगर देखे, 271 से बाय आया था और करीब अभी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है 135 पॉइंट. ठीक है ना, 135 पॉइंट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है किसमें, बैंक निफ्टी का 44,100 के कॉल में. अभी जब 44,100 का कॉल जब आप बाय कर रहे तब आपका स्टॉप लॉस बन रहा था करीब 260 अराउंड. ठीक है, 271 से अराउंड बाय किया है, हम एक ओवरऑल फिगर पकड़ लेते हैं, समझो 280 से आपका बाय सिग्नल आपको एंट्री मिला, 280 से आपका स्टॉप लॉस क्या था, 260. ठीक है, 260 का अगर स्टॉप लॉस है. ओके, सो क्या है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर्स है यहाँ पे जो बिगिनर्स भी हो गए, क्या है बैंक निफ्टी का लॉट साइज, बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है फ्रेंड्स, 15, और 20 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है. 20 बैंक निफ्टी का, मयूर सर बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15. ठीक है ना मयूर सर, 15 है बैंक निफ्टी का लॉट साइज. ओके, 15 लॉट साइज है. ओके, और 20 रुपये का रिस्क था एक लॉट पे कितना रिस्क था हमारा, 20 रुपये का, मतलब हुआ 300 रुपये. ठीक है ना, 300 रुपये का रिस्क था यहाँ पे. ओके, और जनरेट कितना कर रहा है, 136, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 रुपये का रिस्क था और प्रॉफिट हमारा जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट समझो 2,000 के अराउंड का. ठीक है, अभी ये कितना अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है. लेकिन जब हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, देखिए क्या करते हैं मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स, समझो अकाउंट में 10,000 है, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर ऐसा है, हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं हमारा सपोर्ट टीम आपसे बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपका क्या
कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितना मार्जिन है आपके पास पूछते हैं, तो काफी सारे यूजर्स है उसका मार्जिन क्या होता है, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। और फिर क्या कर लेते हैं, यहां से 10 लॉट ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3,000 का ही तो रिस्क था, ऐसा करके। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपके पास जो भी कैपिटल है उसका इंट्राडे में 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे समझो 271 या फिर 280 अराउंड हमने बाय किया है, 20 पॉइंट का रिस्क है, मतलब 300 रुपए। उसका मतलब कैसा क्या हुआ, अगर एक कॉल आपको, एक लॉट आपको बाय करना है, आपके पास मिनिमम 15,000 रुपए का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट ट्रेड कर लोगे, आपका रिस्क है सर, स्टॉप लॉस जो है चार्ट पे, जो स्टॉप लॉस दिख रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, ठीक है ना, स्टॉप लॉस यही लगेगा आपके टर्मिनल पे, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे यही स्टॉप लॉस लगाना है जो यहाँ पे दिख रहा है। अभी स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आ गया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आ गया है, क्योंकि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब रिस्क आप प्लान कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जो आपको दिख रहा है उसी को लगाना है, उससे 2 पॉइंट 3 पॉइंट ज्यादा लगा सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं लगाना है, क्योंकि सिस्टम जो है आपको कट टू कट स्टॉप लॉस देगा और वो स्टॉप लॉस बताएगा जो मार्केट को चाहिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस स्विंग लो पे होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसका मतलब ऐसा होता है कि अगर ये स्विंग लो अगर ब्रेक होगा तो यहां से रिवर्स हो जाएगा, यहां से सेल सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका टर्मिनल पे स्टॉप लॉस वही लगाना है जो यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। तो बात था रिस्क मैनेजमेंट का, तो जहां पे हम 2% का रिस्क लेना चाहिए था वहां पे अगर 30% का रिस्क अगर ले रहे हैं, तीन स्टॉप लॉस लगने पे आपका कैपिटल वाइंड अप हो जाएगा, पूरा कैपिटल चला जाएगा, ठीक है। सो ऐसा गलती नहीं करना है, जितने भी नए ट्रेडर है या एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आप ऑलवेज आपके कैपिटल का, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है ट्रेडिंग करने के लिए, तो इंट्राडे में कुछ भी हो जाए 2,000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए प्रॉफिट आएगा वो मार्केट के हाथ में है, प्रॉफिट जो है वो मार्केट के हाथ में है, लेकिन नुकसान तो हमारे हाथ में है, हम जितना चाहे उतना नुकसान जो है वो हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं कि हमें 1,000 का रिस्क लेना है, 2,000 का लेना है, 5,000 का लेना है, ठीक है, 15,000 का लेना है, 20,000 का लेना है, जितना भी आपका कैपिटल है उसका 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, समझो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपको 2,000 से बड़ा इंट्राडे रिस्क नहीं लेना है। तो जो भी ट्रेड करते हो, स्टॉक, कमोडिटी, फ्यूचर्स, आप कुछ भी ट्रेड करते हो, आपको ऑलवेज ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, जब भी आप ट्रेड करते हो। तो सिग्नल्स आपको तो मिल जाएंगे, जितने भी है, बैंक निफ्टी का समझो सिग्नल मिला, उसका एट द मनी कॉल या पुट आप ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली मैंने एग्जाम्पल दिया, काफी सारे यूजर वैसे तो 10,000 रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, 10,000 रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं होता है, बट काफी सारे यूजर्स कर रहे हैं। सो अगर 10,000 रुपए भी है आपके पास तो आपका इंट्राडे रिस्क हुआ 200 रुपए। हाँ, काफी सारे यूजर है, करते थे, तो 2,000 का, 10,000 अगर है तो 200 का इंट्राडे रिस्क हुआ। फिर अगर आप 1,000 रुपए नुकसान करेंगे तो फिर 4-5 ट्रेड में तो कैपिटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट है, यही गलती होगा मयूर सर कहीं ना कहीं, बड़ा रिस्क है ना, क्योंकि क्या होता है ऐसे बड़े बड़े, एक साइकोलॉजिकल चीज क्या होता है, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ये प्रॉफिट बड़ा दिख जाता है, हमें ये लगता है कि नहीं मिल जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे 1 लॉट की जगह पे 10 लॉट करते तो 20,000 मिलता, फिर हमारे दिमाग में वही चलता है 10,000 रुपये था, 20,000 बन गया, तो ऐसा नहीं होता है, टू बी फ्रैंक, ठीक है। सो 10,000 से ही करते हो तो आपके पास 200 रुपये है इंट्राडे में नुकसान करने के लिए, उससे बड़ा रिस्क आप कभी नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप रिस्क प्लानिंग सीखना चाहते हो, रिस्क अच्छे से मेंटेन करके ट्रेड करना चाहते हो तो, हाँ राइट मयूर सर, एक का डबल वाली ग्रीड जो है ना
वो खत्म कर देती है। देखिए ये जो बातें है ना, ये शेयर बाजार की सच्ची बातें हैं, ये नॉर्मली कोई दिखाता नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट ना सिखाऊं और ऐसा बोल दूं यहाँ पे 10,000 लगा के 20 लॉट ट्रेड कर लो, या तो हीरो या तो जीरो, ठीक है ना। बहुत सारा चीज अब यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे ये चीज चल रहा है हीरो जीरो वाला, बट उसमें नहीं जाना है। अगर आप सही में इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल बनाना चाहते हैं और बाजार में रुकना चाहते हैं, एसएल लगाना नहीं आता है, काफी ट्रेडर्स का क्वेरी ये होता है, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर है यहीं पे, इसीलिए तो आपको प्रो सिग्नल काम में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 339 प्राइस भले ही ऊपर जाके आया है, ऊपर जाके आया 450 अराउंड यहाँ पे प्राइस जाके आया, आज का जो इंट्राडे आया 460 का हाई है, ठीक है ना। समझो 460 तक हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ऊपर इतना ऊपर जाके आया है कि काफी सारे ट्रेडर्स हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है, ठीक है। करीब 180-190 पॉइंट तक ऊपर जाके आया है, लेकिन फिर एक तो कहीं पे तो निकलना पड़ेगा ना। अगर फिर भी हम नुकसान में निकलेंगे, 160 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ, 180 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट हुआ, फिर भी हम वही स्टॉप लॉस पे निकलेंगे जो स्टॉप लॉस लगाया था, वो तो वो गलत है। अगर आप 271 से आप ट्रेड किया है, अभी का स्टॉप लॉस क्या है 339, 68 पॉइंट प्रॉफिट में स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 68 पॉइंट प्रॉफिट में स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। 68 पॉइंट प्रॉफिट में स्टॉप लॉस है, आप समझो 200 रुपए का रिस्क लिया था, 1,000 रुपए मिल रहा है, 1:5, जहां पे 1 रुपया लगाया है वहां पे 5 रुपए मिले, 1:5 के रिस्क रिवर्ड रेशियो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस है अभी, है ना। कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे अगर हिट हुआ एंट्री के ऊपर तो यहाँ पे 5 रुपए मिलेंगे, 1 रुपए के अगेंस्ट, ठीक है। सो क्या होता है, लॉन्ग टर्म गेम सिस्टमेटिक ट्रेड अगर हम अच्छे से करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ आपको आराम से 1:3 का रिस्क रिवर्ड रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। किसी किसी ऐप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता है, किसी ऐप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता है। आपने पहले स्टॉप लॉस लगाया था 260, आप अपना ट्रेड तो मॉनिटर करते रहेंगे ना, अभी लगा दो 339, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी लगाना है 339, क्योंकि प्राइस अगर 383 चल रहा है तो 339 का स्टॉप लॉस ऑर्डर आप लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर लगाना है स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है 339 पे। तो उससे क्या होगा, 339 प्राइस आएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट में होगा, स्टॉप लॉस फिर भी प्रॉफिट में होगा, ठीक है। तो हम क्या पे थे, 1:3 के रिस्क रिवर्ड रेशियो पे। अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो मिनिमम 3 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। तो हमें 200 रुपए वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने 200 रुपए लगाया है तो मिनिमम हमें कितना मिलना चाहिए, 600 रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये होता है 1:3 का रिस्क रिवर्ड रेशियो। मोस्ट ऑफ केसेस में 600 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ, तो ओवरऑल आपको 1:3 का रिस्क रिवर्ड रेशियो ऑन एन एवरेज मिल जाता है। सो उसका मतलब क्या होता है, अगर 1:3 का रिस्क रिवर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक्यूरेसी, नॉर्मली देखिए एक्यूरेसी का बात जब भी आता है हर ट्रेडर के साथ, तो क्या होता है कि क्या एक्यूरेसी है, तो हर बार मैं बताता हूँ कि एक्यूरेसी ट्रेडर का होता है, ना कि किसी सिस्टम का, ना कि किसी स्ट्रेटजी का, ठीक है। अगर समझो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि किसी सॉफ्टवेयर का 90% एक्यूरेसी है, ठीक है, ओके, उसका मतलब क्या हुआ, 10% रिस्क है। जस्ट एन एग्जाम्पल, 10 ट्रेड किसी सॉफ्टवेयर पे हम लेते हैं, उसमें से 9 में प्रॉफिट मिला, और समझो वो प्रॉफिट कितने रुपए का था, 90 रुपए का, और जो 10वां ट्रेड आया एक, उसके ऊपर 110 रुपए नुकसान हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ भी हमने 20 रुपए और नुकसान कर दिया, ठीक है ना। सो जब भी आप ट्रेड करते हो आपका रिस्क रिवर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। आप भले ही आपका एक्यूरेसी गिर के 48 या 45% आ जाए, अगर आपका एक्यूरेसी 45% भी आ गया ना, फिर भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे अगर 1:3 का रिस्क रिवर्ड रेशियो
अगर हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो, ठीक है। सो कंक्लूजन इज ऑलवेज 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है जब भी आप ट्रेड करते हो। नो सर, ऐसा नहीं होगा दीपक सर, एक दो कैंडल्स के बाद सिग्नल्स कैंसल्ड नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई सिग्नल आपको दिखता है किसी भी चार्ट में, ठीक है, एक बार ये सिग्नल बन गया, पहली पांच मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, ओके, मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ उसके लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि 100 से किसी सिग्नल किसी प्राइस का हाई था 100, तो उस प्राइस में, उस स्टॉक में 100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है तो मैं उसमें बाय एंट्री कंसिडर करता नहीं हूं, ठीक है। सो उसका मतलब है स्ट्रेटेजी जब जब भी प्राइस जो है 100 के ऊपर हाई बनाएगा तो आपको वहां पे एक सिग्नल फ्लैश होगा, तो उस सिग्नल्स को सस्टेन हो जाने देना है 5 मिनट तक। किसी भी जगह पे आप जब एंट्री करते हो, ठीक है, हम कोई लेटेस्ट सिग्नल्स देख लेते हैं, ओके, एसबीआई लाइव देखिए, इस टाइप का जब सिनारियो बन जाता है मतलब कि एक दूसरा बार जनरेट हो जाता है उसके बाद एंट्री करना है, तुरंत यहीं से एंट्री नहीं कर देना, एक कैंडल पूरा कंप्लीट हो जाने देना है, क्योंकि वरना क्या होगा, वो पहली 5 मिनट में सिग्नल आएगा, अगर उसके नीचे लो बन रहा होगा तो सिग्नल आएगा, लेकिन अगर क्लोज नहीं बन रहा है उसके नीचे तो सिग्नल चला जाएगा। तो 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद कंफर्मेशन के साथ जब दूसरा बार एक बन जाए, दूसरा कैंडल बन जाए, उसके बाद वहां से एंट्री करना है, ठीक है। तो जब भी आप एंट्री करो, एक कैंडल बन जाए उसके बाद दूसरे कैंडल से एंट्री करना है, यहाँ पे आप प्रिपेयर हो जाओ, आपका प्रॉफिट आ रहा है, नुकसान आ रहा है, आपने एग्जिट किया होगा तो आपका पोजिशन एग्जिट कर लो, लेकिन एंट्री के लिए तो दूसरा बार बन जाए तो तभी एंट्री करना है हमें, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं होगा दीपक सर, ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है कि नहीं एक दो कैंडल के बाद, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हम डाटा को फिल कर रहे हैं, ठीक है, समटाइम क्या होता है, एक्सचेंज जो है ना, मतलब डाटा जो दिया है, एंड ऑफ द डे जब डाटा भेजता है तब कुछ एक्स्ट्रा टिक्स भेज देता है, मतलब कि पुराने कैंडल्स में कुछ एक्स्ट्रा टिक्स भेज देता है एक्सचेंज, जब शाम को डाटा हम बैकफिल करते हैं तब, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर नीचे हुआ है तो इस तरह से सिग्नल कहीं पे एडजस्ट हुआ हो, अदरवाइज लाइव मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए है ना, हमारे लिए सिग्नल बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है लास्ट 110 मिनट का, लास्ट 110 मिनट का डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में सिग्नल बनाने के लिए, ठीक है। तो समझो ये इंपॉर्टेंस डाटा है, उसके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा है उसके बेस पे आपको सिग्नल बन के मिलता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा दीपक सर, अगर कहीं पे होता है सपोर्ट टीम अवेलेबल है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगता है, राइट, तो आप हमें अपडेट कर लो, हम उसके ऊपर डेफिनेटली उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल ग्लिच है तो उसको फिक्स किया जा सकता है। सो उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे कि ये जो और कैंडल्स के कलर्स बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम जो कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं वो कैंडलस्टिक जो है वो हमारा डिजाइन किया हुआ कैंडलस्टिक है, हैंकिन ऐसे कैंडलस्टिक जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्राइस का एवरेज लेके फिर कैंडल्स को प्रिंट किया जाता है, तो हमने उसमें भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि जो इस कैंडल्स चल रहे हैं ना वो अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम है, कैंडलस्टिक अपने आप में एक सिस्टम है। देखिए सेल बना, उसके बाद ब्लू कैंडल बना, उसके बाद येलो कैंडल बना, वापस बाय बना, उसके बाद येलो कैंडल बना, वापस रेड कैंडल बना, तो जब भी डाउन ट्रेंड में ब्लू कैंडल बनता है उसका मतलब ऐसा है कि उस रेंज में प्राइस जो है वो नैरो हो रहा है, मतलब कि बायर और सेलर दोनों इक्वल्स हो रहे हैं। हो सकता है अगर बायर स्ट्रांग हो जाएंगे तो यहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है, जो गिर रहा था वो वापस ऊपर जा सकता है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, ट्रायंगल अगर बनता है ब्लू कैंडल्स के बाद कहीं पे तो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रह सकते हो और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये जो रेड ट्रायंगल्स बनने वाला था, ये रेड ट्रायंगल बनने वाला था, उससे पहले येलो कैंडल बना है, तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है उसके लिए तो आपको 10 मिनट पहले पता चल गया कि आगे
प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए एक चांस मिलता है कि नहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद अगर वापस सेल आ गया तो सेल करेंगे, वापस ग्रीन ट्रायंगल मतलब री एंट्री आया तो वापस री एंट्री करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो डाटा डाटा जितना भी है सारा डाटा आप समझो, कुछ ट्रेडर से आपने देखा होगा कि वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, पुल पुट कॉल रेशियो देखते हैं, ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं, बहुत सारा विजुअल डाटा समझो हम देखते हैं, वो सारे नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स इंटरप्रेट करना उससे अच्छा होता है कलर को इंटरप्रेट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कलर देख के आप समझ सकते हो कि अभी क्या हो रहा है या कौन सा सिग्नल बन रहा है, ठीक है, हमें कलर देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे अभी क्या हो सकता है। उसके अलावा ग्रीन कलर है किस मैसेज बोर्ड में, मतलब कि बुलिश है, 15 मिनट और आवरली, अभी यहाँ पे 15 मिनट बुलिश है उसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यूसली आगे चले, ठीक है, बैंक निफ्टी में 15 मिनट। लेकिन मेजर ट्रेंड का भी बोल सकते हैं, अभी भी ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड जो है पोजिशनल ट्रेंड जो है वो बेरिश है, अभी बेरिश ट्रेंड का या बेरिश सिग्नल्स का स्टॉप लॉस क्या है, 44,997, उसका मतलब क्या हुआ, ऊपर 44,997 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर 997 को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी तो वापस नीचे जा सकता है, ठीक है। तो 5 मिनट में पहले सिग्नल बनेगा, हमें ट्रेड 5 मिनट से करना है, अगर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है तो 15 मिनट और आवरली जो है वो ग्रीन होना चाहिए, तो 15 मिनट और आवरली ओवरऑल ट्रेंड दिखाता है किसी भी स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करते हो 15 मिनट और आवरली ग्रीन है तो ही आपका पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करो, अदरवाइज इंट्राडे में अपना पोजीशन स्क्वेयर अप कर दो, ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे के लिए लेके मत जाओ। उसी तरह से वोलेटिलिटी कैलकुलेटर से, वोलेटिलिटी के बेस पे यहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाते हैं, ये जो लेवल्स है वो पिछले 10 दिन का बैंक निफ्टी का क्या क्लोजिंग मिला है ना उसके बेस पे जनरेट होता है, ओके। सो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड हाई और एक्सपेक्टेड लो भी मिल जाता है ड्यूरिंग द मार्केट, मार्केट शुरू हुआ तुरंत यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड हाई लो मिल जाएगा, 90% केसेस में या तो आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा या तो एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा, ओके। अभी बुलिश ट्रेंड है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि 627 तक प्राइस जाके आए, ठीक है, 550 तक प्राइस ऑलरेडी जाके आया है। अगर सेल सिग्नल बनता है तो नीचे के लेवल्स क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। सो काफी सारे ट्रेडर्स का क्वेरी रहता है कि सब क्वेरी कब रहता है, जब पोजिशन हम फंसा देते हैं तब, पहले तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेंगे तो पोजिशन फंसेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे पोजिशन आपने फंसा दिया है तो आपको लेवल्स चाहिए होते हैं कि ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, कितना रिस्क आपको रहेगा। तो एक्सपेक्टेड लो होता है समझो 43,882, अगर सेल बनेगा तो हो सकता है कि 43,882 तक नीचे जाए, और उससे भी नीचे जाता है तो एक्सटेंडेड टारगेट होता है 781 या 510 तक नीचे जा सकता है। तो ये सारा डाटा जो है विजुअली आप समझो, एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स है ना उसको ये सारा चीज रिसर्च करना है ना सालों लग जाते हैं, बिगिनर्स ट्रेडर्स को ये सारा चीज सीखना है ना तो सालों लग जाते हैं अगर ये चीज मैन्युअली करने जाएंगे तो। तो अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, रिजल्ट्स आपके सामने है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आपको सिर्फ मनी मैनेजमेंट करना है, आपको सिर्फ ट्रेड के ऊपर फोकस करना है, रिसर्च जो है कंप्यूटर खुद करके देगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी कंसर्न है, स्टिल कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मुझे बता दो, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स सर, ये जो कैंडल्स चल रहा है उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, ये डिफॉल्ट जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट है, ठीक है ना, डिफॉल्ट जो है लाइव चार्ट में 5 मिनट है अरुण सर, ठीक है, ईओडी चार्ट में डेली टाइम फ्रेम है, ईओडी जो सिग्नल्स है वो डेली टाइम फ्रेम पे के बेस पे बनते हैं, और कोई क्वेरी आपका जितना भी है दे दीजिए। नहीं सर इसमें टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते हैं, देव सर एप्लीकेशन के ऊपर टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आप यस सर
फिर से रिपीट कर रहा हूं मयूर सर, जो ब्लू कैंडल बनता है ना वो बॉटम ऑफ द ट्रेंड बनेगा, ठीक है, बॉटम ऑफ द ट्रेंड बनेगा ब्लू कैंडल्स। ब्लू कैंडल्स का मतलब ऐसा है कि हो सकता है यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए, येलो कैंडल्स टॉप ऑफ द ट्रेंड बनेगा, ऊपर बनेगा जब प्राइस बढ़ रहा होगा तब बनेगा। येलो कैंडल बनता है तो आपको वो ध्यान रखना है कि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस के नजदीक प्राइस आ गया है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, सेल सिग्नल बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। तो पहले येलो कैंडल बने फिर रेड में कन्वर्ट होना चालू हो गया, उसका मतलब है कि यहाँ से कब सेल बनेगा, जब 462 के नीचे क्लोज मिल जाएगा एक कैंडल्स को, यहाँ से सेल सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है सेल सिग्नल बनाने की। एसएल जो है यहाँ पे आपको दिखता है, एसएल आपके टर्मिनल पे लगाते हैं, आप जहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो ना आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। एसएल जो है हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल पे लगता है। काफी सारे बिगिनर्स ट्रेडर्स काफी सारे जिनको ट्रेडिंग टर्मिनल्स को हो सकता है कि हम ना ऑपरेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। सो आपके फीडबैक दीजिएगा, हम जल्दी से नए ट्रेडर्स के लिए मैं कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि इस टाइप की जो क्वेरी है ना उसको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे प्राइस आपको यहाँ पे दिखता है आरटीपी। दीपक सर आप कौन सा देख रहे हो, स्पॉट देख, देखिए मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर है, ठीक है। कैश में अगर देख रहे हो, बैंक निफ्टी टर्मिनल पे आप कौन सा देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। आप देख रहे हो स्पॉट वाला, आप ये वाला देख रहे हो स्पॉट वाला, फ्यूचर नहीं देख रहे। फ्यूचर स्पॉट का प्राइस चल रहा है 44,275 के अराउंड, और फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 424-425 अराउंड। देखिए सेल बन रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं कर देना है, 5 मिनट हमें वेट करना है, ठीक है ना। सर कैश जो है ना वो इंडेक्स होता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती, कैश जो है ना वो इंडेक्स होता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको बेसिक से अभी 40 अराउंड लोग हैं हम इस सेशन में, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको बेसिक से सीखना है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखना कितने लोग हैं यहाँ पे, चैट में बता दो, वन टाइप कर दो या मी टाइप कर दो, कितने लोग हैं। हम बेसिक वेबिनार चालू करते हैं बेसिक के लिए, स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखना कितने लोग चाहते हैं, फ्रॉम बेसिक टाइप वन और मी। वैभव सर कॉन्फिडेंस जो है ना वो नॉलेज से आता है, कॉन्फिडेंस जो है ना वो इन्फॉर्मेशन से आता है, अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस बाय प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कि मुझे पता है यहाँ पे मैं, देखिए ये सिग्नल चला गया, हम बात वही कर रहे थे, लो बनाया, लो कितना बनाया 280 का, लेकिन क्लोज नहीं दिया, क्लोज नहीं दिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो यहाँ पे ऐसे लेट हो गया, मतलब कि आपका प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अभी सिग्नल नहीं बना है, सिग्नल बनने के लिए तो वेट करना पड़ेगा जब तक। अभी देखिए ये 414 414 के नीचे क्लोज नहीं मिलता है ना तब तक यहाँ पे सिग्नल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें वेट करना है, कंपलसरी 5 मिनट वेट करना है, नया कैंडल बन जाए उसके बाद ही एंट्री करना है। सर आपका क्या क्वेश्चन है फिर से दे दीजिए, वो सॉरी मिस हो गया होगा। निशांत, निशांत सर क्वेश्चन फिर से दे दीजिए। ओके ईटीएफ बाय किया है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है ईटीएफ पे। सर ईटीएफ जो होता है ना, ईटीएफ में समझो एचडीएफसी का आप ईटीएफ ट्रेड कर रहे हो, ईटीएफ जो होता है ना वो म्यूचुअल फंड होता है, उसके यूनिट में इतना फर्क नहीं आएगा सर, उसका जो प्राइस है स्टॉक की तरह मूव नहीं करता है। देखिए ईटीएफ जो होता है ना नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रेडर्स म्यूचुअल फंड में ट्रेड कर रहे, म्यूचुअल फंड में समझो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक्सचेंज में एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके ईटीएफ में यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। तो ईटीएफ जो होता है ना वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, मतलब कि ओपन ओपन फॉर ऑल, जो भी ट्रेडर्स है डायरेक्ट एक्सचेंज से ईटीएफ को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कि ईटीएफ में क्या होता है कि आप कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता है, आपका 27 रुपये 52 पैसे अभी
आपके यूनिट का प्राइस चल रहा है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। देखिए आपका जो ADF है ना, मैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हूँ, देखिए आपने जिस ETF में इन्वेस्ट किया है ना, उसका जो इन्वेस्टमेंट है ये सारी कंपनीज में है। मतलब कि आपने जो पैसे लगाया है वो किसी एक शेयर पे नहीं लगाया है, आपने ये सारी कंपनीज पे पैसे लगाया है। आपके पास 5,608 क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो आपने जो 1,56,000 लगाया है वो ये सारी कंपनीज में लगाया है, आप ऐसा समझ लो। तो आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड है ये सारे कंपनीज में, ठीक है। तो अगर आपने होल्डिंग के पर्पज से लगाया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के पर्पज से लगाया है तो म्यूचुअल फंड जो है या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, वो इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो क्या होता है, ETF में अगर समझो इन्वेस्टेड है मेरा पैसा, तो क्या होगा, वो सिक्योर रहेगा, ठीक है ना, कि इतना बढ़ेगा भी नहीं या तो कम भी नहीं होगा। तो आप एक सेविंग के पर्पज से आप देखो तो ETF ठीक है, या उसमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट समझो 5 या 10 ईयर्स अगर आप किसी ETF में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में आप रखते हो पैसा, तो वहां से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो आई सजेस्ट ETF करने से अच्छा है कोई SIP वगैरह आप कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अगर कुछ भी क्वेरी है फिर भी तो आप सपोर्ट पे बात करो। सर जान सकते हैं, मयूर सर जान सकते हैं, बट आई सजेस्ट आपको किसी म्यूचुअल फंड वगैरह के अगर फंडामेंटल्स जानने हैं ना, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स को संपर्क करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सो किसी एक अपने अनुभव से समझो, मेरे एक अनुभव से या मेरे नॉलेज से किसी के भी फंडामेंटल डेटा को हम रीड कर सकते हैं, राइट। बट फिर भी अगर हम म्यूचुअल फंड वगैरह करना है तो बेस्ट इज कि हम म्यूचुअल फंड एडवाइजर को कांटेक्ट करें। देखिए ये स्पॉट का जो चार्ट है उसके ऊपर सेल सिग्नल बन गया है, ठीक है। स्पॉट का जो चार्ट है उसके ऊपर बन गया, फ्यूचर में अभी सिग्नल नहीं आया है। स्पॉट जो होता है उसमें ट्रेड नहीं होते, ट्रेड किस में होते हैं, फ्यूचर पे, ठीक है। सो वैभव सर आपका जैसे क्वेरी है कि पहले लॉस हुआ है तो हिम्मत नहीं होता है, तो एक छोटे कैपिटल से सीख के फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर भी अगर सभी के लिए एक एडवाइस है कि अगर आप हिम्मत जुटाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की, तो पहले तो बाजार में आप ऐसा पैसा लेके आओ जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए स्टॉक मार्केट उसको ज्यादा पैसा देता है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट उसको पैसा नहीं देता जिसको जरूरत है। क्योंकि जब जरूरत होती है तो डर होता है, ग्रीड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब जरूरत नहीं होती है तो सबसे पहले डर नहीं होता है, अगर डर नहीं है, ग्रीड नहीं है, तो फिर हम डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाएंगे। तो ऐसा पैसा जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, खुद के एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, फैमिली के लिए, कुछ आपके प्लान्स है शादी के लिए, किसी के लिए भी पैसे अगर आपने जोड़ के रखे हैं, समझो आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 10, आप समझो 20 लाख, जितना भी आपके पास पैसा है, अगर वो पैसा आपने किसी जरूरी काम के लिए रखे हैं, लाइक यू वांट टू बाय हाउस, आपको घर खरीदना है लेकिन अभी पैसा स्पेयर में पड़ा है, तो उस पैसे को बाजार में मत लाओ। क्या होगा, वो पैसे की आपको जरूरत है, जिस पैसे की आपको जरूरत है वो पैसा बाजार में मत डालो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जब जब भी मैंने नुकसान किया है पास्ट में, ठीक है ना, तब तब ऐसा पैसा मैंने डाला हुआ था जिसकी मुझे जरूरत होती थी। सो हर ट्रेडर का पास्ट होता है, मैंने भी नुकसान किया है जब मैंने शुरू किया था। हम सीखते जाते हैं, उसके बाद डर कम होता जाता है और एक समझ आती है बाजार की कि नहीं हमें कैसा पैसा डालना चाहिए, ठीक है ना। सो मयूर सर, वैभव सर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा ऐसा लेके आओ जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रूड ऑयल फ्यूचर का चार्ट हम देखते हैं, फ्यूचर में सिग्नल बना है, देखिए एक अच्छा एक लंबा रैली मिला था, अच्छा पैसा दिया है यहाँ पे, उसके बाद एक बार सिग्नल वापस सेल सिग्नल बना है।
इस सेल सिग्नल ट्रेड करना चाहिए, बाय ट्रेड किया होता है, यहाँ पे छोटा सा नुकसान मिला है, 20-25 पॉइंट का नुकसान यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये फायदा होता है सिस्टम का कि आप तुरंत एग्जिट करके अपनी गलती सुधार के नेक्स्ट ट्रेड में बैठ सकते हो, सिस्टम भी तुरंत अपना गलती सुधार के नया सिग्नल दे देता है, ओके। और जब भी कोई लंबा तेजी या मंदी चला है उसके बाद के एक या दो सिग्नल हो सकता है कि इतना अच्छा प्रॉफिट ना दे, या हो सकता है नुकसान में निशान सर। नॉर्मली आपको समझो ETF का कोई रिसर्च करना है तो मनी कंट्रोल अच्छा वेबसाइट है, मनी कंट्रोल पे आपको क्या होल्डिंग है उस ETF का, राइट, वो सारा डेटा आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। सो आपने ट्रेडिंग करने के लिए अगर इन्वेस्ट किया है तो वो लॉजिक नहीं बनता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। सेल सिग्नल है अभी क्रूड ऑयल में, ठीक है दीपक सर। यस सर राघवेंद्र सर, सॉफ्टवेयर गिव यू अलर्ट्स व्हेन सिग्नल जनरेट्स। आपको क्या करना है, आपको अलर्ट्स क्रिएट करके रखना है, आपका सिलेक्टेड अलर्ट्स को क्रिएट कर लेना है, जब भी सिग्नल बनेगा तो आपको अलर्ट मिलेगा, ठीक है ना, आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसे देखिए कितने सारे नोटिफिकेशन है यहाँ पे, तो जब भी अलर्ट्स बनेगा नोटिफिकेशन पे आपको अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो बता दीजिए, अदरवाइज हम फिर बढ़ते हैं क्लोजिंग की ओर। मयूर सर अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है प्राइस जो है ना रीटेस्ट करने आता है, देखिए ऐसे गिरता हुआ ट्रेंड है तो हो सकता है रीटेस्ट करने ना आए, ठीक है। अदरवाइज समझो 2-3 कैंडल आपके मिस हो गए, कहीं से सिग्नल आपको बनाना था और फिर आपका समझो टाइम मिस हो गया, तो एक अच्छा ऑप्शन होता है आप लिमिट लगा के रखिए उस प्राइस का, उस प्राइस का समझो 44,165 से आपको बाय करना था लेकिन नहीं मिला, यहाँ पे अभी समझो सिग्नल आ रहा है 44,410, ठीक है, 5 मिनट वेट करेंगे सिग्नल बनेगा तो एंट्री करेंगे, और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आपको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है और बहुत बढ़ गया है या गिर गया है प्राइस, तो आप लिमिट लगा के रख सकते हो, जब भी वो लिमिट आएगा प्राइस आएगा तो वापस वो आपका पोजिशन वहां से बन जाएगा। साइडवेज मार्केट को पहचानने का सिंपल तरीका ऐसा है, प्राइस जब ये येलो लाइन के नजदीक, ये जो यहाँ पे व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन 200 बार का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है ना, 200 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, 200 बार का। अगर प्राइस ये व्हाइट लाइन के ऊपर चल रहा है मतलब कि बुलिश ट्रेंड है, अगर प्राइस व्हाइट लाइन के नीचे चल रहा है मतलब कि बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर प्राइस इस तरह से समझो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, या तो व्हाइट लाइन के अराउंड या कहीं इसी जगह पे, आप यहाँ पे देखो कि प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है और उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब है कि यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन हमें तो सिग्नल ट्रेड करना है, तो सिग्नल ट्रेड करने के लिए क्या ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि छोटे जो लॉस मेकिंग सिग्नल है उसको ट्रेड नहीं करने हैं, तो ये व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन के ऊपर बाय ओनली सिग्नल ट्रेड करेंगे, व्हाइट लाइन के नीचे सेल ओनली सिग्नल ट्रेड करेंगे। नॉर्मली साइडवेज वाला दिक्कत ज्यादातर नहीं आएगा क्योंकि हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे होंगे, फिर भी अच्छा ऑप्शन वही है कि उसी रेंज में अगर प्राइस जैसे ट्रेड कर रहा है, राजू सर कोई इश्यू नहीं, बराबर ने तब जरा भी तुमने इच्छा था तरह सब्सक्राइब कर जो कई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। पर लाइक ये जो है 55 लाख का लॉस बहुत बड़ा होता है, what will be the learning सर, आपनी साथे बहु मोट अत्यारे बहु बधा लोको छे राजू सर, શું લર્નિંગ 55 લાખનું નુકસાન કર્યા પછી શું લર્નિંગ મળ્યું કે શું ના કરવું જોઈએ, જે બીજા ટ્રેડરો એ કોઈ મિસ્ટેક કરતા હોય તો ના કરે। મયુર સર હું ગુજરાતી છું, આઈ એમ ફ્રોમ અમદાવાદ ગુજરાત, સરજી આઈ એમ ફ્રોમ અમદાવાદ ગુજરાત, ગ્રેટ ગ્રેટ ગ્રેટ। રાજુ સર ઇઝ આઈ ઓડિબલ, દેખે દો ચીજ હોતા હૈ એઝ અ ટ્રેડર, યા તો હમ કે નુકસાન કરકે સીખતે યા કિસી કે નુકસાન સે સીખતે હૈ या किसी के अनुभव से सीखते हैं। नुकसान करके सीखना अच्छा नहीं है क्योंकि पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है ना, ग्रेट। यस मयूर सर, आप किस चीज का लॉट ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना सर, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है।
ये जो प्राइस है ना, आप उस ट्रेडर को पूछोगे जिन्होंने नुकसान किया है, राइट? ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है। निशान सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजू सर। यस सर, यू कैन सब्सक्राइब डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेशंस, यू कैन सब्सक्राइब डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेशंस। ओके, योर प्लान विल एक्टिवेट ऑटोमेटिकली। प्रॉफिट डिपेंड ऑन द मार्केट, राइट? प्रॉफिट जो है ना, देखिए, अगर एक ट्रेडर, अगर एक प्रैक्टिकल बात बता दूं, हर ट्रेडर को सबसे मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है जब शेयर बाजार की बात आती है ना, अगर समझो हम कहीं पे एक एक अगर आउटलेट ओपन करते हैं, समझो अगर आपको कोई अच्छी, समझो ब्रांड का कोई पिज्जा आउटलेट ओपन करना है ना, रेस्टोरेंट ओपन करना है ना, मिनिमम 1 से लेके 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 से 2 CR, ठीक है? और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाए तो बस, ठीक है? मंथली वी आर एक्सपेक्टिंग 2 to 4%, राइट? अगर कुछ फैक्ट्री हम लगाते हैं तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है ना, उसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिल जाए तो अच्छी बात होती है, ठीक है? तो मार्केट में जितने भी रिसोर्स है, कोई और रिसोर्स आप देख लो जिसमें अभी बाजार में मैक्सिमम 2 से लेके 3% रिटर्न मिलता है, ठीक है? 2 से लेके 3% या फिर 3.5%, उससे ज्यादा रिटर्न कोई भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है। आप किसी को प्राइवेट इक्विटी दे दो, ठीक है, मैक्सिमम ईयरली 24%। अभी समझो कहीं पे अगर कोई मनी लेंडर है तो हो सकता है आपसे 2% इंटरेस्ट चार्ज करे। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्टॉक मार्केट से कितना प्रॉफिट बनना चाहिए, तो उसका सिंपल आंसर ऐसा है कि आपको महीने में आपके इन्वेस्टमेंट का 2% से ज्यादा मिलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, जो कहीं पे नहीं मिल रहा। अगर एक प्रैक्टिकल बात करें, म्यूचुअल फंड में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में हम 15% ईयरली एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो क्या हुआ, एक एक 1.5% से भी कम हुआ, ठीक है ना? तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके 2% से ज्यादा अगर रिटर्न हमें महीने का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। ये प्रैक्टिकल बात, फ्रेंड्स, एम राइट और रॉन्ग, ये सही या गलत है? डबल के चक्कर में मत पड़े कि 15%, 20%, 50% मिल जाए, 100% मिल जाए, उसके चक्कर में मत पड़े। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात, ठीक है? अदरवाइज यहाँ पे आपको चैट नॉर्मली नहीं दिख रहा है। बाकी ट्रेडर का तो यही राय है, सर अल्गो नथिंग करता, वी आर नॉट डूइंग अल्गो, अल्गो नहीं कर रहे, उसका रीजन यही है सर, ठीक है ना? देखिए, एक तो अल्गो ट्रेडिंग किसी भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म इतना रिलायबल नहीं है कि आपका ऑटोमेशन चला सके, ठीक है? बहुत सारे अल्गो है, बहुत सारे अल्गो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं मैनुअल ट्रेडिंग की फेवर में हूँ। हम अल्गो ट्रेडिंग करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के साथ आप अल्गो इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना? हमारा जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उसमें आप अल्गो इंटीग्रेट कर सकते हो, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग राजू सर, अल्गो ट्रेडिंग मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। अभी भी मैनुअल ट्रेडिंग अच्छा है, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर हम मॉडरेटेड क्वांटिटी से जाएंगे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? और प्रैक्टिकल में एसएल लगाने का अगर तरीका देखना है तो उसके लिए ट्रेडिंग टर्मिनल पे मुझे जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, और उसके लिए यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल्स आप देख लेंगे एसएल कैसे लगाना है तो मिल जाएगा, ठीक है ना? अदरवाइज हम क्या करेंगे, मैं एक डेमो वीडियो करता हूँ किस तरह से बनाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यस सर, अल्गो ट्रेडिंग बहुत सारे हैं, अल्गो ट्रेडर्स है मार्केट में, या अल्गो ट्रेडिंग अभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं। अल्गो ट्रेडिंग का रिजल्ट भी जो होता है ना, वो स्ट्रेटेजी आप कौन सा यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, अभी यहाँ पे सेल सिग्नल बना 44,410, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप क्या सर्च करोगे, 44,400, 400 का पुट, बाई सिग्नल मिल गया होगा उसमें, आप देखो, ठीक है, 294 से बाई सिग्नल मिला है, 294 से बाई सिग्नल मिला है, माइनस 254,
स्टॉप लॉस कितना है? 40 पॉइंट का, 600 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर समझो हमारे अकाउंट में 10,000 ही कैपिटल है तो ये ट्रेड हम नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्क प्लानिंग, 2% से बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। सो कैपिटल बहुत मायने रखता है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो। सर यू कैन ऐड वन बाय वन स्टॉक इन टू योर लिस्ट, यू कैन ऐड वन बाय वन, राघवेंद्र सर यू कैन ऐड द स्टॉक वन बाय वन इन टू योर लिस्ट। सर फॉर द सॉफ्टवेयर, द फॉर द डिफरेंट इन द एप्लीकेशन एंड इन द सॉफ्टवेयर, अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर इज, ये जो एप्लीकेशन है वो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे ही रन हो रहा है, वहां से जो सारे चार्ट्स है वो हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन का फायदा यह है कि बहुत सारे यूजर्स जो है, सिम्बा सर, बहुत सारे यूजर्स जो है वो अभी वर्किंग प्रोफेशनल है या समझो इतने देर तक कंप्यूटर के सामने नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है कि यहाँ पे चार्ट्स डायरेक्टली मिल जाता है, तो वही सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आप मोबाइल पे यूज कर सकते हो। और यस सर डेफिनेटली पीसी का जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है, पीसी का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे यूज कर सकते हो। अगर पीसी सॉफ्टवेयर का ट्रायल करना है आपको तो आप ट्रायल कर सकते हो, पीसी सॉफ्टवेयर का आपके कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल करेंगे, उसका पूरा ट्रेनिंग देंगे किस तरह से यूज करना है। ट्रायल जो है पीसी सॉफ्टवेयर का वो चार्जेबल है दीपक सर, ठीक है, लेकिन आपको एक पूरा एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर पे चलेगा अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर में। तो ओके फ्रेंड्स, हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, आई होप कि अच्छे से सर। प्लीज चेक वेबसाइट्स, अब वेबसाइट पे चले जाए सारा डिटेल्स है, और उसके अलावा सपोर्ट टीम पे आप एक बार बात कर लीजिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, हम मिलते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। सो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो अगेन मैंने सपोर्ट का डिटेल्स दिया है आपको। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए प्रॉफिटेबल रहिए, खुश रहिए, और वंस अगेन डिसिप्लिन से ट्रेड करो, अच्छे से रिस्क प्लान करो, और अगर आपको ड्यूरिंग द ट्रेडिंग कुछ भी क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।